Hello everyone. In last video, we have discussed about the quick shot algorithm. In this video, we will discuss the merge shot algorithm. Now, first question is, what is the difference between quick shot and merge shot algorithm? ठीक है, तो देखिए quick shot algorithm का जो worst case time complexity है, जब element already ascending और descending order में arranged है, तो it gives the order of n square time complexity. बट मर्ज शॉट की केसेस में मैं अभी आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा, तीनों केसेस में, बेस्ट केस, एवरेज केस एंड वर्स्ट केस, तीनों केसेस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन मिलती है. नाउ व्हाई क्विक शॉट इज मोर पॉपुलर इफ दिस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मर्ज शॉट इज लेस इन वर्स्ट केस एज कंपेयर टू क्विक शॉट. सो द आंसर इज कि जब हम मर्ज शॉट की बात करेंगे, सो मर्ज शॉट इज अ आउटप्लेस शॉर्टिंग एल्गोरिथम. What do you mean by outplace? Outplace मतलब more extra memory की requirement है merge shot के case में, but quick shot is a in place shorting algorithm, तो no need of extra memory. तो जब हम memory का point of view concern होगा, तो हम quick shot पे जाएंगे. जब time complexity and worst case की concern होगा, तो हम merge shot पे जाएंगे. ठीक है, both are the used for large data set and both are the divide and conquer approach. दोनों में हम divide करते जाते हैं. अब मैं आपको एक example से समझाता हूँ. उसके पहले मैं यहाँ पे algorithm लिख देता हूँ. यहाँ पे ये जो code देख रहे हैं merge का है, मैं basic algorithm लिख देता हूँ आपकी merge sort की. So merge sort. मेरे पास में एक array है और first index है और एक last index है मेरे पास में. ठीक है, first condition p यदि less than है R से, तो मेरा चलता रहेगा. देखिए अब क्विक शॉट एल्गोरिथम में आपने क्या किया था कि पहले पार्टीशन को कॉल किया था, बट मैं मर्ज शॉट की केस में क्या कर रहा हूं, पहले से ही जो मेरा एरे है उस एरे को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दे रहा हूं. तो P प्लस R डिवाइडेड बाय 2 और इसका फ्लोर फंक्शन. मतलब आपने क्या कर दिया, हमने पहले से ही इस पर्टिकुलर में उस एरे को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. ठीक, नाउ उसके बाद में डिवाइड करने के बाद में हम यहाँ पे मर्ज शॉर्ट को फिर से कॉल करेंगे, क्योंकि अगेन इट इज अ रिकर्सिव एल्गोरिथम. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए पी एंड क्यू. ठीक है, फर्स्ट सब एरे, दूसरा हम यहाँ पे कॉल करेंगे फिर से मर्ज शॉर्ट को, और यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास में, ए क्यू प्लस वन एलिमेंट और लास्ट आर तक मैं यहाँ पे चलूंगा. और फाइनली ये जो कोड लिखा हुआ है मर्ज का, इसको हम कॉल कर देंगे, जिसमें ए आ जाएगा, पी आ जाएगा, क्यू आ जाएगा और आर आ जाएगा, सारी चीजें यहाँ पे आ जाएंगी. ठीक है, नाउ दिस इज द मर्ज शॉर्ट एल्गोरिथम. ठीक, अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं तो और अंडरस्टैंडिंग हमारी बढ़ेगी. तो लेट अस अज्यूम मेरे पास में कुछ एलिमेंट्स हैं, 10, 3, 5, 1, 6 और 7 और लेट सपोज 4. ये एलिमेंट्स हैं और क्वेश्चन है शॉर्ट द फॉलोइंग एलिमेंट्स यूजिंग मर्ज शॉर्ट एल्गोरिथम. ठीक है, नाउ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू डिवाइड एंड कंकर अप्रोच है, तो तब तक आप पहले सॉल्व करते जाइए जब तक इंडिविजुअल एलिमेंट्स में वो कन्वर्ट ना आ जाए, तब तक डिवाइड करते जाइए, देन उसके बाद में उसमें कंकर मतलब टेक्निक अप्लाई करिए, एल्गोरिथम अप्लाई करिए, फाइनली रिजल्ट को कंबाइन कर दीजिए. यदि आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो किस तरह से आप शॉर्ट करेंगे. ठीक है, तो टू टू एलिमेंट्स को आपको पिक करना है और दोनों दोनों एलिमेंट्स को आपस में शॉर्ट करना है. ठीक है, और असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके लिख देना है. अगेन टू एलिमेंट्स पिक करना है और दोनों एलिमेंट्स को 1 और 5 आपको यहाँ पे लिख देना है. अगेन टू एलिमेंट्स आप पिक करेंगे, क्या हो गया, 6 और 7. अगेन टू एलिमेंट बट टू एलिमेंट नहीं बचे, सिंगल एलिमेंट है, तो एज इट इज कॉपी कर दिया. अगेन जो दो सब एरे हैं उनको मर्ज करते जाइए आप, क्योंकि मर्ज शॉर्ट एज ए नेम सजेस्ट हम मर्ज कर रहे हैं, बट मर्ज किस बेसिस पे कर रहे हैं, हम शॉर्ट करते हुए. ठीक, तो ये मर्ज कर दिया. अगेन दो ऐसा बहने हैं तो इनको मर्ज कर दीजिए आप, तो यहाँ 4 आ गया, यहाँ 6 आ गया, यहाँ पे 7 आ गया. फाइनली आपके पास में दो सब एरे बचे, इन दो सब एरे को आप यहाँ पे मर्ज कर रहे हैं. ठीक है, तो देखिए किस तरह से मर्ज कर रहे हैं इस एल्गोरिथम को. ये जो मर्ज का कोड है वो मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ एक मिड वाली स्टेप से. दिस इज अ लेफ्ट लेफ्ट सब एरे, दिस इज अ राइट सब एरे. ठीक है, दिस इज अ आई इंडेक्स, दिस इज अ जे इंडेक्स. ठीक है, नाउ देखिए यहां पर मर्ज के कोड को पहले एक्सप्लेन करता हूं. देखिए मर्ज यहां से कॉल आया हुआ है. ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, P यदि लेस देन है R, तब तक ये हमारा चलता रहेगा. हमने डिवाइड कर दिया. ठीक है, डिवाइड करा, दो दो पार्ट्स में डिवाइड करते गए, मर्ज शॉर्ट को कॉल किया एक लेफ्ट हैंड साइड के लिए, मर्ज शॉर्ट को कॉल किया राइट वाले सब एरे के लिए, और फाइनली मर्ज को कॉल किया. नाउ मर्ज में आप यहां पर देखिए क्या है मेरे पास में, एन वन इक्वल्स टू पी माइनस क्यू प्लस वन. ये एन वन और एन टू क्या कर रहे हैं, हम साइज कैलकुलेट कर रहे हैं, किसका,
एक सब एरे का और दूसरे सब एरे का, तो एन वन एन टू मेरे पास में एरे का साइज आ गया। दो एरे हमने लिए, लेट एल और आर बी दी न्यू एरे, और न्यू एरे में आपने क्या कर रहे हैं, जो साइज है उससे प्लस वन कर रहे हैं। प्लस वन क्या कर रहे हैं आप, क्योंकि इस एरे में आपने एक और यहां पर एक सेंटिनल एलिमेंट को स्टोर करा जिसको आपने बोला इनफाइनाइट, ठीक है, जो ये शो करेगा कि ये वाला एरे अब आपका एंड हो चुका है। ठीक, नाउ इन दोनों एलिमेंट्स में आपने क्या करा, लेफ्ट वाले में एलिमेंट्स को कॉपी कर दिया जितने भी थे, राइट वाले में भी एलिमेंट्स को कॉपी कर दिया। स्टेप नंबर 5, 6, 7 यहां तक हो गया। इनफाइनाइट मतलब सेंटिनल एलिमेंट्स को एन प्लस वन पे डाल दिया, लेफ्ट वाले में राइट वाले में, आई को वन से इनिशियलाइज कर दिया, जे को वन से इनिशियलाइज कर दिया। ठीक, नाउ अब आपने एक और सब एरे बोला, दैट्स व्हाई हमने स्टार्टिंग में क्या बोला, मर्ज सॉर्ट इज अ आउटप्लेस सॉर्टिंग एल्गोरिथम, मतलब आपने एक और सब एरे बनाया जिसको बोला ए ऑफ के। ठीक है, एक एरे लिया जिसका नेम दिया आपने ए ऑफ के, और ए ऑफ के में इन दोनों के एलिमेंट्स को आप स्टोर करा रहे, मतलब एक्स्ट्रा मेमोरी की रिक्वायरमेंट पड़ रही है। ठीक है, यहाँ पे क्या कंडीशन है, स्टेप नंबर 12 देखिए आप, 4k = p2r। ठीक है, कहां तक चलेगा ये, आपका p से लेकर r तक चलेगा। ठीक, नाउ इफ l of i को कंपेयर करेंगे r of j से, क्या l of i 1 <= r of j से 4 से। ठीक, यस कंडीशन ट्रू, यदि कंडीशन ट्रू है तो l of i में जो भी एलिमेंट है उसको मूव कर दीजिए कहां पर, a of k में। ठीक, मूव करने के बाद में i को इंक्रीमेंट कर दीजिए 1 से, i को 1 से इंक्रीमेंट कर दिया, फिर से ऊपर गए, फिर से ऊपर गए, तो फिर से चेक किया l of i में कितना है, 3 क्या <= 4, यस कंडीशन ट्रू, कंडीशन ट्रू, तो मूव कर दीजिए किसमें, न्यू एरे में, तो इस एरे का नाम है आपके पास में a of k, तो a of k में आपने मूव कर दिया, a इज द एरे नेम, k इज द इंडेक्स नंबर। ठीक है, नाउ फिर से आपने आई को इंक्रीमेंट किया, नाउ 5 के <= 4 है, नो कंडीशन फॉल्स, यदि कंडीशन फॉल्स है तो else वाले पार्ट में आ गया, else वाले पार्ट में क्या करा, r of j में जो है उसको a of k में डाल दीजिए, r of j में कितना है 4 को a of k में डाल दीजिए और j को इंक्रीमेंट कर दीजिए, j को इंक्रीमेंट कर दिया, अगेन ऊपर चला गया तो 5 <= 6 तो यहाँ पे 5 आ गया, फिर से i को बढ़ाया तो फिर यहाँ देखा 10 <= 6 कंडीशन फॉल्स हो गई, तो else वाले पार्ट में आया तो j को आपने इंक्रीमेंट कर दिया, अगेन फिर से कंडीशन फॉल्स हो गई तो 7 यहाँ पे आ गया, j को इंक्रीमेंट कर दिया, तो j यदि यहाँ पे आ गया तो जो भी एक एरे में एलिमेंट्स बचे हैं एज इट इज उनको कॉपी कर दीजिए, दिस इज द पर्पस ऑफ दिस सेंटिनल एलिमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे यदि आप देखें तो ये सारे के सारे एलिमेंट्स आपके शॉर्ट होके आ गए। ठीक, नाउ अब बात करते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखें तो इस मर्ज में आपके पास में लूप्स आपको बहुत दिख रहे हैं, बट कोई भी ऐसा लूप नहीं है जो लूप के अंदर लूप है। ठीक है, तो द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस मर्ज इज ऑर्डर ऑफ एन। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम पी टू आर चल रहा है आपका, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं एरे में उतना आपका ये चल रहा है। नाउ मर्ज शॉर्ट को दो पार्ट में डिवाइड किया, टी एन बाई टू। ठीक है, ये टी एन बाई टू मतलब एरे जो है आपका दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, अगेन सेम आपके पास में रिकरेंस रिलेशन बन गया 2t n/2+n। ठीक है, बट यहाँ पे कोई डबल रिकरेंस रिलेशन बनने के चांसेस नहीं है। यहाँ पे आपको यदि आप ये देखें, ये एरे है आपके पास में, यदि उल्टा देखें बॉटम टू अप, तो आप टू टू पार्ट्स में इसको डिवाइड करते जा रहे हैं और फाइनली हम रिजल्ट को कंबाइन कर देते हैं। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर लें यूजिंग मास्टर थ्योरम, तो a = 2 b = 2 f(n) = कितना हो गया आपके पास में n, so n to the power log a base b 2 base 2 तो कितना हो गया n, if both f of n and g of n both are equal तो master theorem का rule क्या है कि एक extra log n से multiply कर दीजिए, so this is the time complexity in best case, worst case and average case of the Mershot algorithm, this is the beauty of Mershot, but drawback क्या है, extra memory की requirement हमको पड़ रही है, so this is all about the Mershot algorithm, thank you so much।